बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्या ने पीएम कॉलेज और एक्सीलेंस के उद्घाटन कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अजीबोगरीब सीख दी। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है, इससे अच्छा पंचर की दुकान खोल लेना जिससे जीवन यापन चलता रहे। गुना से बीजेपी के विधायक एक्सीलेंस स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में कह गए कि पढ़ने लिखने से क्या होता है, इससे अच्छा पंचर की दुकान खोल लेनी चाहिए। उनके इस बयान पर कांग्रेस आक्रामक नजर आई। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोरिया ने कहा कि भाजपा विधायक बच्चों को शिक्षा देने की जगह पंचर बनाने की सलाह दे रहे हैं, मां सरस्वती उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री आने वाले भविष्य को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। इस महाविद्यालय को जो ये प्रधानमंत्री शेष विद्यालय का जो शुभारम्भ कर रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि केवल एक बोर्ड वाक पे पकड़ लेना, केवल एक बोर्ड वाक पे पकड़ लेना, ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल लेना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। देखिए, कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक्सलेंस कॉलेज के लिए 400 करोड़ की घोषणा करी मध्य प्रदेश में, और उन्हीं के भाजपा के विधायक पन्नालाल जी कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को, आने वाले भविष्य को कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, पंचर बनाओ। अब पंचर बनाने की जो बात बोल रहे हैं, ये नीति और नियत स्पष्ट करती है भारतीय जनता पार्टी की कि वो क्या चाहता है, आने वाले भविष्य को बर्बाद कर देना चाहता है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बच्चा बच्चा जानना चाहता है, आने वाला भविष्य जानना चाहता है। और माँ सरस्वती, ये जो बोला गया है माँ सरस्वती के लिए, माँ सरस्वती जरूर भाजपा को दंड देगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।